हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी का ये पार्ट 17 है और आज हम यहाँ पे देखेंगे कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को। आपको पता है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलने में लगभग सिमिलर ही होते हैं, या कई बार उनकी जो कह सकते हैं स्पेलिंग है वो लगभग सिमिलर होती है, एक दो वर्ड का ही डिफरेंस होता है, लेकिन उनके मीनिंग काफ़ी अलग होते हैं और यूजर्स भी काफ़ी अलग होते हैं। तो उसी तरह के कुछ वर्ड्स आज हम यहाँ पे देखेंगे और इस तरह की भी सीरीज आपको मिलती रहेगी ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की वोकेबलरी का ज्ञान हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छे अच्छे सारे वर्ड समझ में आएँ तो इसके पहले के जितने 16 पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं उनको भी ज़रूर देखिए। और आपको नहीं पता है कहाँ से, तो यहाँ कॉर्नर में उसका लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का, जहाँ से जा करके आप देख सकते हो सारे वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। यहाँ पे पहला जो वर्ड है कन्फ्यूजिंग, यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक तो है जैसे एक्सेप्ट और दूसरा है एक्सेप्ट। अब अगर बोलने में देखिए तो दोनों के लगभग कह सकते हैं टोन्स एक ही तरह हैं, लेकिन इनके यूजेज और स्पेलिंग में डिफरेंस है। पहला जो यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है ये वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है कंसेंट टू रिसीव और अंडरटेक। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, समथिंग ऑफर्ड मतलब जब आपको कुछ दिया जाए, चाहे वो कोई सलाह हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, कुछ भी टेंजिबल इनटेंजिबल कुछ भी हो, तो अगर आप उसको रिसीव कर रहे हैं, आप अपनी सहमति दे रहे हैं कि आप उसको रिसीव कर रहे हैं, तो वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, एक्सेप्ट करना, या फिर हिंदी में जिसे सीधा सीधा आप कहते हैं स्वीकार करना। आपको कुछ दिया जा रहा है, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो वो होता है एक्सेप्ट। लेकिन एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट ये क्या है, प्रीपोजिशन है और कभी कभी कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है। इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग या फिर अदर देन, मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं के सिवाय। जब आप कुछ बातें कर रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे सारे फ्रूट्स लगभग पसंद हैं आम के सिवाय, मतलब आपको सारे फ्रूट्स पसंद है बस आम नहीं पसंद है, तो ये जो आप आम को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं इसी को क्या कहा जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, लिखा हुआ जैसे हिंदी में के सिवाय। अब अगर यहाँ पे यूजर्स देखिए तो आपको समझ में आएगा, एक्सेप्ट का यूज़ देखिए, लिखा हुआ है द मोर ही ट्राइड टू एक्सेप्ट द आइडिया द हार्डर इट बिकेम टू स्वॉलो। मतलब किसी व्यक्ति के लिए बात करें कि जितना अधिक वो तैयार हो रहा था स्वीकार करने के लिए उस विचार को, उतना ही अधिक उसके लिए उसको निगलना आप कठिन हो रहा था। मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई आपको कुछ बहुत बुरी सलाह दिया, कुछ आइडिया दे रहा है, तो आप कोशिश भी कर रहे हैं कि चलो ठीक है स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन वो इतना जितना ज़्यादा आप उसको स्वीकार करने के प्रयास में लगे हुए हैं उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कि आप उसको स्वीकार कर पाएँ। तो यहाँ पर सॉलो का मतलब कुछ निगलने का सीधा मतलब नहीं, मतलब जैसे कहते ना गले के नीचे उसकी बात उतर नहीं रही है, जितना ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं उसको स्वीकार करने की। तो एक्सेप्ट यहाँ पर है स्वीकार करने को क्या आइडिया। ओके, फिर देखिए एक्सेप्ट का कैसे यूज़ हुआ है, दे वोंट इवन बी टुगेदर एक्सेप्ट वीकेंड। मतलब किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक साथ नहीं होंगे, कब, एक्सेप्ट वीकेंड मतलब वीकेंड के अलावा, मतलब सैटरडे संडे जो भी आप कहिए उसके सिवा और किसी भी दिन वो एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या दिखाता है, के सिवाय के अर्थ में प्रयोग होता है। ओके, तो दोनों का प्रयोग आपको बहुत ही समझ बूझ के करना है। ऑफन क्या होता है कि लोग उल्टा इसका प्रयोग कर देते हैं जिससे अर्थ का अनर्थ होता है। चलिए अगले वर्ड पे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तीन वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, एक तो है इसको पढ़ेंगे एडाप्ट जो कि वर्ब है, फिर क्या है एडॉप्ट जो कि वर्ब है, फिर क्या है एडप्ट पढ़ते हैं इसको जो कि एडजेक्टिव है। एक एक करके तीनों की हम यहाँ पर मीनिंग लेते हैं। एडाप्ट करने का मतलब क्या होता है, वर्ब की तरह यूज होता है, मतलब जैसे देखिए लिखा हुआ है मेक समथिंग सुटेबल फॉर अ न्यू यूज़ और अ पर्पज़, मतलब अनुकूल बनाना। जब आप कुछ जैसे कोई कंडीशन हो उसको अपने अनुकूल बना रहे हो, या किसी भी चीज़ को अपने अनुकूल बना रहे हो, या फिर अपने लिए सुटेबल बना रहे हो ताकि आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकें, तो उसको कहते हैं अडाप्ट करना, या फिर आप उसके लिए अडाप्टेबल हो रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप किसी चीज़ को बनाएं ही, आप खुद भी अपने आप को अडाप्टेबल बना सकते हैं किसी कंडीशन या फिर परिस्थिति के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कमिंग फ्रॉम अ विलेज इट टुक सम टाइम फॉर द फैमिली टू अडाप्ट टू लिविंग इन अ लार्ज सिटी। मतलब बता रहे हैं कि कुछ, मतलब कोई एक फैमिली है जो कि विलेज से आई हुई, आपको पता है विलेज के लोग जैसे रहते हैं उनका रहन सहन लाइफ स्टाइल सब बहुत ज़्यादा अलग होती है शहर की तुलना में। तो वही बता रहे हैं कि जो विलेज से आई हुई फैमिली है
उनको कुछ समय लगेगा शहरी, मतलब ये बड़े शहर की जो लिविंग है उसको एडाप्ट करने में, मतलब उसके अनुकूल बनने में या फिर उसको ग्रहण करने में उसको थोड़ा समय लगेगा। थोड़े समय के बाद वो अपने आप को उसी अनुसार ढाल लेंगे। ठीक है, तो अपने आप को किसी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना या फिर अनुकूल बन जाना या फिर बना लेना, वो क्या होता है, एडाप्ट। वहीं अगर हम बात करें एडॉप्ट की, एडॉप्ट क्या है, ये भी एक वर्ब ही है। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग देखिए लिखा हुआ है, लीगली टेक अनदर्स चाइल्ड एंड ब्रिंग इट अप एज वंस ओन, मतलब किसी और के बच्चे को अपने पास ले लेना और उसको अपने बच्चे की तरह बड़ा करना। लीगली मतलब कानूनी रूप से किसी के बच्चे को अपने पास रखना, उसको अपने बच्चे की तरह बड़ा करना। आप देखते हैं जैसे जिन लोगों की संतानें नहीं होती वो क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं दूसरे के चिल्ड्रंस को। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है एडॉप्ट करना। फिर इसी में पहले वाले में एक मीनिंग इसकी और ये भी निकलेगी कि जब आप, आजकल क्या होता है जानवरों के लिए भी यूज़ होता है, जैसे आपको अगर कोई डॉग लेना है तो जनरली टर्म इस्तेमाल किया जाता है अडॉप्ट करना डॉग को। मतलब जब आप किसी डॉग को लेने जा रहे हैं, आप किसी भी एनिमल को लेने जा रहे हैं पालने के लिए ताकि आप उसको पाल पोस के बड़ा कर सकें, अपने साथ रख सकें, तो वहाँ भी इसका अडॉप्ट का प्रयोग होता है, क्योंकि वो भी एक लीगल प्रक्रिया के तहत ही होता है। तो एक मतलब तो इसका ये हो गया, मतलब किसी के भी बच्चे को लेकर के अपनी तरह पालना और बड़ा करना। और दूसरा मतलब इसका क्या है कि लिखा हुआ चूज टू टेक अप और फॉलो एन आइडिया मेथड और कोर्स ऑफ एक्शन, कि जब आप किसी आइडिया मेथड या फिर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब किसी कार्य की विधि को चूज करें या फिर उसी की तरह काम करना शुरू कर दें या फिर उसको मानना शुरू कर दें, फॉलो करना शुरू कर दें, तो वो भी होता है अडॉप्ट करना। जैसे आपको मैं कहूँ कि आप किसकी विचारधारा को अडॉप्ट कर लिए हैं, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, तो मतलब आपकी जो विचारधारा है उसमें बदलाव आया, आप पहले जैसे सोचते थे या काम करते थे उसमें कुछ बदलाव आया है। तो यहाँ पे अडॉप्ट करना विचारधारा को लेकर के भी हो सकता है, किसी मेथड को लेकर के भी हो सकता है, जैसे आप काम कर रहे हो उसको लेकर के भी हो सकता है। तो सीधा सीधा हिंदी मतलब होता है इसका अपनाना, किसी को भी अपना लेना और उसके अनुसार कार्य करना या फिर किसी को अपना करके उसको अपने जैसा बड़ा करना। देखिए इसके दो यहाँ पे यूजेज हैं, इट वुडेंट हर्ट टू अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव आउटलुक, यहाँ पे बताया जा रहा है किसी के लिए कि बहुत ज़्यादा आपको हानिकारक नहीं पहुँचाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा और पॉजिटिव आउटलुक को अडॉप्ट करेंगे, मतलब थोड़ा और पॉजिटिविटी को आप दिखाएंगे अपनाएंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो यहाँ पे किसी एनिमल या फिर किसी भी इंसान की बात नहीं हो रही अडॉप्ट करने की, एक आउटलुक को अडॉप्ट करने की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आइडिया भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसको अडॉप्ट करना। दूसरा देखिए लिखा हुआ है, देर आर मैनी पीपल डेस्परेट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेस्परेट हैं। डेस्परेट का मतलब समझिए कि एकदम मरे जा रहे हैं कि वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकें, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा हो, एकदम जुनून सा सवार हो, तो उसको कहा जाएगा डेस्परेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बताने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं या फिर इच्छा रख रहे हैं, तो यहाँ पे चाइल्ड को अडॉप्ट करना हो गया। इसका जो तीसरा वर्ड है जो कि एडप्ट है, जो कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो आपको पता है ये खासियत को बताता होगा, तो इसका मतलब क्या है, एडप्ट का मतलब होता है वेरी स्किल्ड और प्रोफिशियंट एट समथिंग, मतलब कोई व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कोई व्यक्ति होगा अगर उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, बहुत ज़्यादा वो स्किल्ड है किसी भी चीज़ में, तो उसको एडप्ट कहा जाएगा। हिंदी में जिसको हम निपुण कहते हैं, मतलब तीव्र बुद्धि वाला या बहुत तेज़ी से सोचने वाला, बहुत ज़्यादा प्रोफिशियंट है, फ्लॉलेस है एकदम, तो वो व्यक्ति क्या होगा, एडप्ट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, द सेल्स मैन वॉज एडप्ट एट चार्मिंग कस्टमर्स इन टू स्पेंडिंग मोर देन दे हैड प्लान, कि यहाँ पे किसके एडप्ट होने की बात कर रहे हैं, सेल्समैन की, कि जो सेल्समैन था वो बहुत ही ज़्यादा एडप्ट था एट चार्मिंग कस्टमर, किस चीज़ में एडप्ट था, अपने कस्टमर्स को चार्म करने, मतलब अपने कस्टमर्स को खुश करने में इतना ज़्यादा वो निपुण था कि उसके जो कस्टमर्स होते थे वो जितना वो प्लान करके आते थे उससे कहीं अधिक खर्च कर देते थे, मतलब उनको इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ और सारी चीज़ें बताता था, लोग सोचते थे जैसे वो 10,000 का कुछ लेने गए होंगे, मान लीजिए 10,000 का वो वॉशिंग मशीन लेने गए होंगे, सोच रहे होंगे 10,000 की वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, लेकिन जो उनका सेल्समैन था उसने इतनी अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया, इतने अच्छे तरीके से खुश रखा कि वो 10,000 की जगह 25,000 की वॉशिंग मशीन लेकर के आए। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं गुण होगा, तभी ऐसा आप कह सकते हैं कि कोई करवा सकता है किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसा काम। तो ये होता है एडप्ट। तो तीनों के डिफरेंस आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा इनके डिफरेंस हैं, तो आपको बहुत ही वाइजली इसको यूज़ करना आना चाहिए।
अगले वर्ड पे हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग वर्ड है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स में से मैं इसको रखता हूँ। एक तो है अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब क्या है, एक वर्ब है, और एक है इफेक्ट, इफेक्ट का क्या है, ये एक नाउन है। दोनों के लगभग कह सकते हैं मीनिंग सेम है, बस यूजेज में इनके डिफरेंस होता है। जैसे अफेक्ट, पहली बात तो ये वर्ब की तरह काम करता है, और इफेक्ट ये नाउन की तरह काम करता है, ये इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा क्या है, अफेक्ट का मतलब क्या होता है विथ ए, टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समवन और समथिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ पे अगर कोई दूसरी चीज़ प्रभाव डाल रही हो, इन्फ्लुएंस डाल रही हो, तो वो अफेक्ट होगा। ठीक है, वर्ब की तरह यूज होगा प्रभाव डालना। जैसे एग्जांपल देखिए, पॉवर्टी कैन अफेक्ट एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज, रेस, जेंडर एंड सोशल बैकग्राउंड, कि जो गरीबी है वो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, मतलब गरीबी किसी के भी ऊपर प्रभाव डाल सकती है, रिगार्डलेस ऑफ, मतलब इसकी परवाह नहीं होगी कि उसकी एज क्या है, उसका रेस क्या है, मतलब नस्ल क्या है, जेंडर क्या है, और उसका सामाजिक जो कह सकते हैं बैकग्राउंड है वो कैसा है, इससे कोई भी आपका कह सकते हैं अंतर नहीं होगा। गरीबी किसी को भी अफेक्ट कर सकती, किसी के ऊपर भी प्रभाव डाल सकती है। तो ये यहाँ पे अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस डालना, किसी व्यक्ति के ऊपर हो चाहे किसी वस्तु के ऊपर क्यों ना हो, या फिर विचारधारा के ऊपर भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखें इफेक्ट का प्रयोग, इफेक्ट का मतलब क्या है, अ चेंज विच इज़ अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और अदर कॉज। इफेक्ट जनरली दर्शाता है किसी ना किसी परिणाम को, मतलब कुछ हो गया और उससे क्या आपको प्रभाव पड़ा है वो आपका दर्शाता है इफेक्ट। लिखा हुआ है अ चेंज विच इज़ अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, कि जो चेंज हुआ है किसी रिजल्ट की वजह से या फिर किसी कॉन्सिक्वेंस की वजह से, किसी एक्शन की वजह से, वो आपका क्या कह, वो आपका क्या होगा, इफेक्ट होगा, कि इसकी वजह से ये प्रभावित हो गया। ठीक है, यहाँ पे अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना और इफेक्ट का मतलब प्रभावित होना। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नाउ अडेज पेरेंट्स वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ स्मार्टफोन ऑन देयर एडोलसेंट्स बिहेवियर, कि आजकल जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो बहुत ज़्यादा वरी किसके आपके विरुद्ध हैं या फिर किसके लिए विरुद्ध आपके बहुत ज़्यादा वरी हैं, तो बता रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्मार्टफोन, कि जो स्मार्टफोन है उसके प्रभाव की वजह से बहुत ज़्यादा वरी हैं, कि उन जो स्मार्टफोन है उसकी वजह से उनके जो एडोलसेंट्स हैं, मतलब जो कह सकते हैं किशोरावस्था के जो भी उनके बच्चे हैं, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो इस वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट मतलब प्रभाव, किस मतलब जो प्रभाव है वो किसका है, स्मार्टफोन का, कि स्मार्टफोन इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इतने तरह के गेम्स आप देख ही रहे हैं आजकल कैसे कैसे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुखी हैं। तो एक बात तो ये कि आप ऐसे देखेंगे इफेक्ट का यूज होगा तो वर्ब की तरह होगा, जैसे पॉवर्टी कैन अफेक्ट, और अगर इफेक्ट का यूज होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ पेरेंट्स वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ स्मार्टफोन, तो ये आपका नाउन की तरह आपका यूज होगा। दूसरा ये अफेक्ट का मतलब होगा किसी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर प्रभाव डालना, और इफेक्ट का मतलब होगा कि प्रभाव पड़ चुका है और उसका ये रिजल्ट सामने आ रहा है, तो वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है अफेक्ट और इफेक्ट में। अब अगले वर्ड पे हम बढ़ते हैं, लिखा हुआ है एक्सेस और एक्सेस, दोनों को बोलने का तरीका लगभग एक ही है। एक्सेस क्या है, नाउन है, और एक्सेस क्या है, वो भी नाउन है, लेकिन दोनों की आप समझ सकते हैं स्पेलिंग में डिफरेंस है, इसलिए आप समझ जाएंगे। एक्सेस का मतलब क्या होता है, विथ ए, लिखा हुआ है द मीन्स और अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच और इंटर अ प्लेस। एक्सेस करने का मतलब कहीं तक आपकी पहुंच है, मतलब आप अप्रोच लगा रहे हो, या फिर आपकी अप्रोच है कि आप कहीं अंदर जा सकें, कहीं प्रवेश पा सकें, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेस पाना या फिर एक्सेस होना। ओके, मतलब वो पहुंच को दर्शाता है, तो वो क्या होगा, एक्सेस। जैसे देखिए एग्जांपल, आई रिसेंटली गेंड एक्सेस टू दिस डेटाबेस दैट द कंपनीज ओनर यूजेस। यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझको रिसेंटली, हाल ही में, किसका एक्सेस मिला, इस डेटाबेस का एक्सेस मिला, मतलब कोई डेटाबेस है किसी कंपनी ओनर के द्वारा जो यूज़ किया जा रहा है, उसकी जो पहुंच है वो किसी और व्यक्ति तक हो गई है, इस बात को ये दर्शा रहा है। तो ये एक्सेस टू दिस डेटाबेस का मतलब कि अब जो डेटाबेस केवल कंपनी के ओनर के द्वारा यूज़ किया जा रहा था, उस तक ये जो आई है, जो भी बोल रहा है, उसकी भी पहुंच हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक्सेस का मतलब पहुंच होना, कहीं पे प्रवेश करने के लिए, कहीं पे इंटर करने के लिए, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो क्या होगा, एक्सेस। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सेस की,
विथ ई, तो इसका मतलब क्या होता है, एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज मोर देन नेसेसरी परमिटेड और डिजायरेबल, मतलब जब जरूरत से अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ उपलब्ध हो या फिर जितनी इजाज़त हो उससे अधिक कोई चीज़ उपलब्ध हो तो उसको कहा जाता है एक्सेस, अधिक, जरूरत से अधिक होगा एक्सेस। जैसे एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ, इफ़ यू ईट एक्सेस कैलोरीज योर बॉडी स्टोर्स द एनर्जी एज ग्लाइकोजन और फैट टू यूज एट अ लेटर टाइम, मतलब बता रहे हैं कि अगर आप जरूरत से अधिक कैलोरी खाएंगे, जैसे एक इंसान के लिए एक कैलोरी की मात्रा आपकी फिक्स है, तो अगर आप उससे अधिक कैलोरी खा रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है, जितना आप काम कर रहे हो तो कैलोरी बर्न होगी, लेकिन उसके बाद जो कैलोरी बच जाएगी उसको बता रहे हैं कि उसको ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में स्टोर कर लेगी ताकि उसको बाद में यूज में लाया जा सके। तो यहाँ पे एक्सेस कैलोरी का मतलब क्या है, जरूरत से अधिक, जितनी जरूरत है उतनी खाइए, लेकिन जो अधिक खाएंगे उसके साथ बॉडी आपका ये काम करेगी। तो यहाँ पे एक्सेस का मतलब जरूरत से अधिक। अगले वर्ड पे हम बढ़ते हैं, ये भी देखिए वर्ड अच्छे हैं, लिखा हुआ है आर्टिस्ट, जो कि एक नाउन है, और आर्टिजन इसको पढ़ते हैं, वो भी एक नाउन है। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है पर्सन हु क्रिएट्स पेंटिंग और ड्राइंग एज एन प्रोफेशन और ए हॉबी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कोई पेंटिंग या फिर ड्राइंग को क्रिएट कर रहा है, बनाते हैं, जो चाहे प्रोफेशन के तौर पे बनाएं चाहे अपनी हॉबी के तौर पे बनाएं, उनको हम जनरली आर्टिस्ट कहते हैं। और कई बार ये पेंटिंग को ना लेकर के, जैसे पोएट्री वगैरह होती है जो लोग लिखते हैं, पोएम वगैरह या फिर कविताएं या फिर आप कह सकते हैं उपन्यास, ये सब जो लिखते हैं उनके लिए भी हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। गीत संगीत जो लिखते हैं उनके लिए भी आर्टिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में हम जनरली कलाकार इनको कहते हैं, तो कलाकार में ये सारे लोग आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑल दीज पिक्चर्स वर पेंटेड बाय अ रिनोन्ड आर्टिस्ट, ये सारी जो पिक्चर्स हैं वो किसके द्वारा पेंट की गई हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट के द्वारा, जो भी नाम हो उनका। तो आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। वहीं आर्टिजन की मैं बात करूं तो ये क्या है, लिखा हुआ है अ वर्कर इन अ स्किल्ड ट्रेड स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग थिंग बाय हैंड, मतलब ऐसा वर्कर जो स्किल्ड ट्रेड में हो, मतलब जिसके लिए स्किल की जरूरत हो, वो ट्रेड कर रहा हो, मतलब ऐसी चीज़ें बना रहा हो जिसको वो बेचता हो, जैसे आप समझिए जैसे लकड़ी के कोई काम हो, जैसे टेबल में ये सब बनाने वाले होते हैं, इनको आप आर्टिजन कह सकते हैं। लकड़ी से बनी हुई बहुत सारी और भी वस्तुएं होती हैं जो सजावट के लिए यूज़ होती हैं, मिट्टी के बने हुए कुछ बर्तन होते हैं या फिर मिट्टी से बनी हुई कुछ और चीज़ें होती हैं, वो सब जो लोग होते हैं ना उनको कहा जाता है आर्टिजन या फिर शिल्पकार, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है आर्टिजन। इसलिए एग्जाम्पल दे करके भी मैंने बताया ताकि आप दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकें। आर्टिस्ट वो व्यक्ति, जैसे पेंटिंग बनाने वाला, ड्राइंग बनाने वाला, गीत संगीत लिखने वाला, पोएट्री लिखने वाला, ये सब आर्टिस्ट में आ गए। आर्टिजन में वो सारे व्यक्ति जैसे जो स्किल ट्रेड में आपके काम में आते हों और अपने हाथों से चीज़ों को बनाते हों, किसी मशीन की सहायता से नहीं, हाथों से। जैसे आप समझिए कि कोई लकड़ी के चीज़ों को बना रहा है, लकड़ी से बहुत अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं लोग, काम की चीज़ें होती हैं, बेचने वाली होती हैं, सजावट वाली होती हैं, हाथों से जैसे कपड़े लोग बिनते हैं या फिर और भी कई सारी चीज़ें, जैसे मिट्टी के बर्तनों से कुछ बनाना हो तो ये सब जो चीज़ें बनाते हैं उनको हम शिल्पकार कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है द ओल्ड हैंडीक्राफ्ट्समैन हैज़ बीन सप्रेस्ड बाय मशीन लेबर एंड द विलेज आर्टिजन बाय द फैक्ट्री हैंड, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं जो पुराने हैंडक्राफ्ट्समैन लोग थे वो सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब दबा दिए गए, किसके द्वारा, मशीन लेबर के द्वारा। आपको पता है हैंडीक्राफ्ट का मतलब जैसे जो बुनाई वगैरह के काम में आते, काम करते हैं लोग, उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है कि वो जो मशीन लेबर है उनके द्वारा दबा दिए गए। आपको पता है जैसे आज़ादी से पहले हमारे यहाँ बुनकरों का एक खास, एक कह सकते हैं प्रभाव था, बहुत अच्छे कपड़े यहाँ पे बनते थे, लेकिन जब इंग्लैंड और बाकी सारे देशों में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुल गई, मशीनों से कपड़े तैयार होने लगे, तो उनकी कह सकते हैं वो ज़्यादा रिफाइन थे, वो ज़्यादा अच्छे थे और ज़्यादा सस्ते थे, तो उनके द्वारा बहुत कपड़े बिकने लगे सस्ते दामों में, तो जो हैंडीक्राफ्ट वाले थे वो सारे ख़त्म ही हो गए। और इसी तरह बता रहे हैं कि जो विलेज आर्टिजन थे, जो मतलब गाँव के शिल्पकार थे, वो फैक्ट्री हैंड्स मतलब फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उनके द्वारा दबा दिए गए। तो यहाँ पे विलेज आर्टिजन मतलब कोई एक ऐसे किसी के बारे में बात नहीं करें, बल्कि विलेज के जो शिल्पकार थे, जो हाथों से चीज़ों को बनाते थे, उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये थे आज के वर्ड, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लेकर के ज़्यादा अच्छे से समझाया ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना बचे आपके दिमाग में कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा चाहे कहीं भी देख रहे हों, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा चाहे फेसबुक से चाहे व्हाट्सअप से, जैसे भी आपको सुविधा हो आप शेयर करिएगा और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न इन सारे वर्ड्स में रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपनी प्रतिक्रिया भी मुझे कमेंट के जरिए ही बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।